तो दोस्तों खेला शुरू हो चुका है, तोड़फोड़ स्टार्ट हो चुकी है। आज अनाउंसमेंट हुई डग्गी एडवांस की, सलार की एडवांस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बहुत कुछ आपसे बात करनी है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो क्या है आपका हाल, वेलकम बैक टू फिल्मी चर्चा विद कुणाल। देखो यार, मुझे पता था जब ये क्लैश हुआ ना, ये काफी बहुत आई थिंक सेंचुरी का बिगेस्ट क्लैश मुझे होता हुआ दिख रहा है। अब यहां से आज ये पहली रिपोर्ट हो गई, अब यहां से डेटा ट्रैक होना शुरू हो चुका है। थोड़ा थोड़ा डेटा जो भी मेरे पास आया मैं आपको कंसोलिडेट करके आपके सामने लाया हूं। कुछ कुछ डेटा अभी भी हो सकता है आपको एक आध पार्ट से मिसिंग लगे, बट जितना मेरे हाथ लगा मुझे लगा आपके साथ शेयर जरूर कर दूं। देखो पहले स्टार्ट करते हैं यार डंकी से। डंकी की आज सुबह एडवांस खुल गई थी, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी आप लोगों के साथ अपडेट शेयर कर दिया था और ट्विटर पे भी काफी जगह ये चीज चली कि डंकी की एडवांस खुल गई है। तो सुबह खुलने के बाद अब तक डंकी की एडवांस का क्या स्टेटस चल रहा है, पहले तो मैं आपको बता दूं, वायर एप इंटरनेशनल विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस इंटरनेशनल, मतलब इंडिया में तो है इंटरनेशनली भी है, वो डंकी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज में। जहां पे वो नहीं कर पा रहा है वहां पे इन लोगों ने टीम अप किया है, बोथ सलार एंड डंकी हैज टीम अप विद थर्ड पार्टीज जो उन कंट्रीज के स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो अब क्या कुछ रुझान कहता हुआ हमें रुझान आता हुआ हमें दिख रहा है। देखो यार यूएस में मैं आपको बता दूं, और साइड बाय साइड में आपको सलार का भी बाद में बताता हूं, डंकी के पहले डंकी का कवर करते हैं। यूएस की देखो अगर मैं बात बता दूं तो अब यूएस में 13,200 लेटेस्ट एक घंटे डेढ़ घंटे पहले का डेटा है, ये डॉलर्स हो चुके हैं डंकी के डे वन के। इसका कोई प्रीमियर नहीं है, डे वन का ही है। यूके में यूरो 1290 यूरोस यूके में हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में एकदम से शूट अप किया है, 32,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो चुके हैं। जर्मनी में तो हॉट केक्स की तरह टिकट बिक रही हैं, 8,500 यूरो खुलते के साथ अभी हो चुका है। मिडल ईस्ट में खुल चुकी है, अभी कई जगह आ रहा है कि फुल फ्लेज खुल चुकी है, बट आई थिंक अभी भी 80% के अराउंड खुली है मिडल ईस्ट में। तो मिडल ईस्ट में भी 42,700 AED आता हुआ दिख रहा है। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो अभी डंकी का डेटा है वो 7,000 कुछ डॉलर के आसपास आ रहा है। नाउ दीज नंबर्स आर वेरी गुड कीपिंग इन माइंड कि डंकी की जो एडवांस बुकिंग आज ओपन हुई है, इनफैक्ट 4-5 घंटे पहले ही ओपन हुई है। अगर हम दूसरी साइड बात करें सलार की, तो सलार की मेरे पास ना बहुत सारी कंट्रीज का डेटा नहीं निकल के आ पाया, बट मैं आपको एक चीज बता दूं, यूएसए प्रीमियर डे वन में सलार इज डूइंग एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी। आई थिंक सलार इज टारगेटिंग 2 मिलियन वाली फिगर, 2 मिलियन डॉलर इन यूएसए में, क्योंकि सलार का यार 4.5 लाख डॉलर का जो धंधा है ग्रॉस एडवांस वन फर्स्ट डे का प्रीमियर का रादर मैं कहूंगा वो हो चुका है। 1,012 शोज लगे हैं और 15,622 टिकटें ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी हैं सलार की। और मेरे पास सलार का ऑस्ट्रेलिया का भी डेटा हाथ में लगा है, ऑस्ट्रेलिया का डेटा सलार का 75,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो चुके हैं, जो कि डंकी के 32,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही हैं। अब देखो यार मेरे पास और भी बहुत सारा डेटा है, मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको शेयर करूंगा सलार और डंकी के, काफी सारी चीजें मेरे हाथ लगी हैं, बट आई थिंक इस वीडियो को हम सिर्फ एडवांस तक ही कन्फाइंड रखते हैं। देखो यार मैं एक बात बोलूं, सलार यूएसए में तो मुझे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आता हुआ दिख रहा है, और शायद वो इसलिए भी क्योंकि आई थिंक 15 दिन हो चुके हैं सलार को यूएसए में एडवांस बुकिंग खुलते ही। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या डंकी कि जो मार्केट है, जो शाहरुख खान की मार्केट है, राजकुमार हिरानी की ब्रांड जो मार्केट है, क्या वो सलार वाले फिगर्स तक आ सकती है। देखो हो सकता है यूएस में तो मेरे को ऐसा लगता है सलार 2 मिलियन के आसपास जाएगी, तो अगर डंकी यहां पे टारगेट रखे जवान का भी तोड़ने का, जो 6-6.5 लाख के अराउंड था उसका ग्रॉस डे वन का, और 1 मिलियन के आसपास जाने की कोशिश करे, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी अगर हम ओवरसीज की बात करें तो सिर्फ यूएसए नहीं आएगा, टोटैलिटी में सारी एडवांस देखी जाएगी और वो डे बाय डे हमें भी पता चलता जाएगा, तो आपसे शेयर कर देंगे। ये थी रिपोर्ट नंबर वन, आप कमेंट करके बताओ आपको क्या लग रहा है यार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं 10-15-20 दिन, बने रहना चैनल पे, टेक केयर, बाय बाय।